व्यूअर्स, आज वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष दिवस पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर आशीष चौहान। सो डॉक्टर आशीष चौहान जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आशीष चौहान है और एट प्रेजेंट मैं ग्वालियर में द हार्ट केयर सेंटर रन कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। डॉक्टर आशीष चौहान, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आप दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द और गैस्ट्रिक परेशानी में होने वाले दर्द में दोनों के पेन में क्या अंतर है? जो पेन हार्ट से रिलेटेड है वो अमूमन काम करने से बढ़ता है। जब भी आप फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस की कंडीशन में होंगे तो ये पेन होगा और उसकी इंटेंसिटी जो रहेगी वो जरूर फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस के साथ बढ़ती है। साथ ही साथ जो पेट से रिलेटेड पेन है वो जनरली खाली पेट होना या खाने के एक पर्टिकुलर समय के बाद, जैसे एक या दो घंटे के बाद होना, इस तरह की परेशानियों के साथ आता है। जबकि हार्ट का पेन जो है वो दर्द के अलावा घबराहट, पसीना, बेचैनी, जल्दी थक जाना, जल्दी सांस फूल जाना है, इन परेशानियों के साथ मैच करता है। डॉक्टर आशीष चौहान, हमारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं कि क्या एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को भी हार्ट अटैक हो सकता है? ऐसे पेशेंट्स के अक्रॉस आते हैं जिनमें किसी भी तरह की कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं थी, ना उनमें डायबिटीज था, ना उन्हें हाइपरटेंशन था, और उनको एक यंग एज पे 20-25 या 30 की एज पे भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। अमूमन जो हार्ट अटैक होने का कारण है वो है नसों के ब्लॉक हो जाना। पर जो मुख्य अंतर एक यंग पेशेंट में और एक एल्डरली पेशेंट में होता है वो है नस के ब्लॉक होने का कारण। जनरली यंग पेशेंट्स में नसों के सडन रप्चर होने की वजह से वहाँ कम्प्लीट क्लॉट बन जाता है, जो उन्हें सडनली हार्ट अटैक की सिचुएशन में डाल सकता है।